पहला लेक्चर हुआ था धारणी वेग के बारे में, बेसिक बातें हम लोगों ने देख लिया था कैसे पढ़ना है, कितना धारणी वेग होते हैं। आज चरक सूत्र सात एक बार देखेंगे, क्या वहां पे आचार्य चरक ने किया हुआ है, ठीक है ना। चरक सूत्र सात खोलिएगा, लिखिएगा अधारणी वेग चरक 13, वाग्भट 14। वाग्भट ने कास को भी अधारणी वेग माना है, कास को भी अधारणी वेग माना है। श्लोक नंबर 3 और 4 को मार्क करिएगा, अधारणी वेग का श्लोक है, न वेगान धारते धीमान जातान मूत्र पुरीषयो, न रेतसो न वातस्य न छर्द्या। ये 13 जो अधारणी वेग बताए हैं वो सारे दोनों श्लोक में यहाँ पे लिखे हुए हैं। विमर्श में देखिएगा तीसरी लाइन, अष्टांग संग्रह में कास का वेग रोकना, मिला अष्टांग संग्रह में कास का वेग रोकना, साथ ही साथ उसमें आया है वेगान धारते वात विड मूत्र क्षय त्रिट क्षुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। अष्टांग संग्रह सूत्र अध्याय 5 का है। इसी प्रकार सुश्रुत ने भी 13 प्रकार के उदावर्त बतलाए हैं, सुश्रुत में 13 प्रकार के उदावर्त हैं, याद रखिएगा वो अधारणी वेग नहीं, 13 प्रकार के उदावर्त बताए हैं। तो लिख लीजिएगा सुश्रुत के उदावर्त 13 त्रिमर्मी में लिखा चुके हैं, नहीं याद होगा मुझे पता है, 13 प्लस अपथ्य निमित्तज उदावर्त जो बताते हैं सुश्रुत का, 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, अपथ्य निमित्तज। फिर वही भी देखिएगा सुश्रुत उत्तर तंत्र 55 का एक नीचे श्लोक दे रखा होगा, त्रयोदश विध श्वासो भिन्न एतस्तु कारण है, अंडरलाइन करिएगा उसको, विमर्श में नीचे बिल्कुल आया होगा, त्रयोदश विध श्वासो भिन्न एतस्तु कारण है। और चरक ने अष्टोदरी अध्याय में केवल वात मूत्र पुरीष शुक्र छर्दी और क्षयतु इन छहों का वेग रोकने से उदावर्त माना है, यानी कि उदावर्त किनके वेग को रोकने से होता है, ये 6 हैं और चरक ने 6 प्रकार के उदावर्त बताए हैं, चरक ने उदावर्त 6 बताए हैं। सुश्रुत के उदावर्त अगर पूछेगा तो 13 प्लस अपथ्य निमित्त। फिर पहला ही देखिए आया हुआ है श्लोक नंबर 6 में, मूत्र का वेग रोकने से, मूत्र का वेग रोकने से हम लोगों ने पढ़ा था मूत्र पुरीष क्षयतु रोकोगे शिराशूल। तो देखिएगा इसमें हमने आपको बताया था कि मूत्र का वेग बहुत अधिक समय तक रोकने से मूत्र कृच्छ हो जाएगा, शिरोरुजा है, विनाम बताया था हमने, विनाम कहाँ कहाँ मिलता है मूत्र में और कहाँ, जिह्वा और मूत्र। तो याद रखिएगा इसको, मूत्र कृच्छ शिरोरुजा विनाम श्लोक नहीं याद करना, अगर आप ब्रेक करके भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ बस्ती और मेहन में वेदना, हमने आपको बताया था वृषण में वेदना कहाँ हो रहा था, शुक्र का वेग रोकने से। फिर आगे देखिएगा चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा में हमने आपको बताया था कि मूत्र का वेग रोकने से अवपीडन सर्पी का पान कराएंगे, अवपीडन सर्पी देखिए आया होगा श्लोक नंबर 7 मिला, सर्पिश्च अवपीडकम। यस सर। और उसके पहले आएगा स्वेद अवगाहन अभ्यंग, उसी के ऊपर लिख लीजिएगा पुरीष में भी, पुरीष का वेग रोकने पे भी स्वेद अवगाहन और अभ्यंग आएगा। और देखिएगा लास्ट में क्या लिखा हुआ है, त्रिविध बस्ती, यानी कि 3 प्रकार की जो बस्तियां हैं, अनुवासन निरूह और उत्तर बस्ती, चरक ने 3 प्रकार की बस्ती बताई है, अनुवासन निरूह और उत्तर बस्ती, हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो त्रिविध बस्ती का प्रयोग मूत्र का वेग रोकने पे जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उसकी चिकित्सा में करते हैं, हमने आपको याद करने का तरीका बताया था, मूत्र में भी त्र है और त्रिविध में भी त्र है, तो मूत्र का वेग रोकने से त्रिविध बस्ती।
और पीड़क शर्पी भी आ गया। फिर पुरीष का वेग रोकने से शिरा शूल रहेगा ही, देखिएगा आया हुआ है, और पक्वाशय में भी वेदना होगी और बात वर्चो अप्रवर्तनम। ध्यान दीजिएगा, मूत्र का वेग रोक रहे हैं तो मूत्र कृच हो रहा है, पुरीष का वेग रोक रहे हैं तो पुरीष भी रुक जाएगा, बात वर्च अप्रवर्तनम मतलब उसकी प्रवृत्ति रुक जाएगी। पुरीष का वेग रोकने से पक्वाशय सिर में वेदना, अपान वायु एवं मल का रुक जाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूत्र कृच हो जा रहा तो मूत्र का वेग रोकने में एक तरीके से मल कृच्छता भी हो जा रही है, मल का वेग रोकने में, साथ ही साथ अपान वायु इनका अप्रवर्तन। और बताया था पिंडकोद्वेष्टन, पिंडलियों में ऐठन होना, जंघा की पिंडलियां जो होती हैं वहां पे ऐठन होता। जनरली होता क्या है कि अगर हम आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखें तो जंघा का जो हमारा प्रदेश होता है, हम लोग सामान्य रूप से जो नी ज्वाइंट होता है उसके ऊपर जंघा कहते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जंघा कहाँ होगा? नीचे, नी ज्वाइंट के नीचे का भाग होगा। जंघा वाला रीजन तो क्या कहते हैं? पुरु। काफ वाला रीजन। पिंडकोद्वेष्टन और आधमान, कल कुछ ऐसा था आधे मन से कुछ ऐसे करके हमने आपको ट्रिक बताया था पहले लेक्चर में, उसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे। पुरुष का वेग रोकने से वर्ती आया होगा, वर्तयो, वर्तयो को अंडरलाइन करिएगा। स्वेद अभ्यंग अवगाह, जैसे मूत्र में था वैसे यहाँ भी है। और लास्ट में देखिए आएगा प्रमाथी, प्रमाथी अन्न का सेवन। अब प्रमाथी अन्न के बारे में कल हमने हल्का सा बताया था, यहाँ प्रमाथी अन्न की परिभाषा क्या हम बताते हैं। शारंगधर का एक श्लोक आया होगा विमर्श में, निज वीरेण यद द्रव्यम श्रोतव्यो दोष संचयम निरस्त प्रमाथी तत्। अपने वीर के प्रभाव से है ना, दोषों में या श्रोतव में जो संचित दोष होता है उनको निकालने वाले जो द्रव्य होते हैं उनको प्रमाथी द्रव्य कहा है, शारंगधर का ये परिभाषा है। शारंगधर ने पूर्व खंड, शारंगधर संहिता तीन खंड में है, पूर्व मध्यम और उत्तर खंड तीन पार्ट में वो बटी हुई है, तो उसके पूर्व खंड का ये श्लोक है अध्याय चार, जहाँ पे उन्होंने विभिन्न प्रकार के औषध कर्म के बारे में चर्चा की है। तो निज वीरण प्रमाथी द्रव्य का एग्जाम्पल वही लिख लीजिएगा, मरीच और वचा, मरीच और वचा इनको प्रमाथी द्रव्य का उदाहरण कहेंगे, मरीच एवं वचा। फिर देखिएगा इसके बाद चिकित्सा समझ में आ गई इसकी, रिवाइज ही कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कुछ नया, हम सब आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं। मेड वृषण में वेदना शुक्र का वेग रोकने पे, इसके पहले मूत्र का वेग रोकने पे कहाँ वेदना हो रहा था? मेहन में और बस्ती में, यहाँ मेड और वृषण में शुरू हो रहा है। अंग मर्द, तो अंग मर्द हमने आपको एक शब्द बताया था, क्या बताया था कल? अंग मर्द आएगा तो त्रय उपस्तंभ याद रखेंगे, अंग मर्द के लिए त्रय उपस्तंभ याद रखेंगे। सुधा में, निद्रा में और शुक्र में, तीन जगह आपको अंग मर्द मिलेगा, साथ ही साथ शुक्र का वेग रुकेगा तो हृदय में व्यथा, हृदय में व्यथा होगी। और विबद्ध मूत्र में वचा, मूत्र भी रुक रुक के वो निकलेगा है ना, यानी कि मूत्र भी कृच्छता के साथ, यानी कि मूत्र कृच्छ जो हुआ वो मूत्र का वेग रोकने में, यहीं पे कंफ्यूजन होता है, पूछ लेगा कि विबद्ध मूत्र किस अधारणी वेग का लक्षण है, तो आपका दिमाग जाएगा किधर, मूत्र में। उसका आंसर क्या है? शुक्र में मूत्र आया है। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि विबद्ध मूत्र में वो ये कहाँ आया है? शुक्र का वेग रोक। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, लिख लीजिए ऊपर, हृदय रोग वाष्प और श्रमजन्य निश्वास में, हृदय रोग वाष्प एवं श्रमजन्य निश्वास, हृदय व्यथा किसमें किसमें है? शुक्र और पिपासा, शुक्र पिपासा, शुक्र पिपासा। फिर देखिएगा श्लोक नंबर 11, 11
इसकी चिकित्सा आया है शुक्र का वेग रोकने से। हमने आपको बताया था कि शुक्र का वेग रोकने पे निरूह बस्ती, देखिएगा निरूह बस्ती के बारे में आया होगा, और अभ्यंग अवगाह आया है, स्वेद नहीं। हमने आपको बताया था कि वैसे भी चरक ने भीषण दृष्टि और हृदय पे अल्प स्वेद या जरूरत पड़े तो न करने के लिए कहा है, तो यहाँ पे स्वेदन नहीं आया। बाकी दोनों चीजें अभ्यंग और अवगाह आ गया है। मदिरा आया हुआ है, मध्य का सेवन कराएंगे, और चरणायुधा मुर्गे के मांस को बोलते हैं, ठीक है, चरणायुधा मुर्गे के मांस का भक्षण, शाली चावल, चरणायुधा इंपॉर्टेंट है, मदिरा सेवन इंपॉर्टेंट है। मदिरा एक जगह और आया था, कहाँ आया था? निद्रा वाले में, कंफर्म? सर वास्तु में बहुत तुम लोग पूछने वाला काम करते हो, बता दे रहे हैं हमको भी कंफ्यूजन। हमने ट्रिक बताया था कि जब रो रहा है तो उसको दोस्त आएंगे, ले जाएंगे, चलो यार थोड़ा सा इस तरीके से उसको कहानी सुनाएंगे, याद आ रहा है कैसे बताया था? मतलब इतना बताने पे भी आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, फिर तो बेकार है भाई। एक दोस्त है बेचारा, उदास है, रो नहीं पा रहा है, आंसू का वेग रोक लिया है, परेशान तो है, तो दोस्त आया उसको लेके गए, है ना, पार्टी शार्टी हुई, कहानी वहानी सुनाए उसको, कितना बताना फिर बेकार रहता है अगर आप नहीं समझ पाते। इसके बाद आता है अपान वायु का वेग रोकना। देखिएगा अपान वायु में आया है विड़, मूत्र, वात, इनका संग हो जा रहा है। आदमान देखिएगा, पुरीष और अपान, जहां आदमान आया है वहीं पर पुरीष और अपान दोनों लिख लीजिएगा, यानी पुरीष का वेग रोकने से भी और अपान वायु की विगुणता में भी आपका आदमान है। और उधर इसके बाद आया हुआ है उधर में वेदना और वात संबंधी अनिरोध, जठरे यानी उदर रोग हो जाएगा और वात रोग, वातजास्त अन्य रोग, अन्य वातज रोग हो जाते हैं। चिकित्सा में क्या है, यहाँ भी वर्ती आया, तो वर्ती देखिएगा पुरीष में भी आया था, अपान में भी आया था, वर्ती पुरीष के वेग में रोकने में श्लोक नंबर 9 में भी है और 13 में भी है। और वाद अनुलोमनम, 13 नंबर का लास्ट वर्ड वाद अनुलोमनम, वाद का अनुलोमन करने वाले आहार द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ खास उतना नहीं है। वमन का वेग रोकने से, छर्दी का वेग रोकने से, हमने आपको बताया था कि छर्दी का वेग यानी वमन का वेग रोक रहे हैं तो कौन सा दोष, एक तरीके से बढ़ा हुआ मान लेंगे, कफ को बढ़ा हुआ मान लेंगे। हमने आपको जो वमन बताया था तो वमन के आयोग में भी कफ के बढ़े हुए, वहां भी कोट कंडू ये सब आया था। जब वमन का आपको अयोग बताया था वहां भी हमने बताया कि सायंकाल को जब आपने कफ वर्धक आहार का सेवन करा दिया, यानी कि उसके बॉडी में रोगी की आपने कफ एग्रीवेट कर दिया, लेकिन आप वमन कराने में नाकाम रहे हैं, तो उसके शरीर में आपने क्या बढ़ा दिया है, कफ को बढ़ा दिया है। नौजिया जरूर हो रहा है उसको, लेकिन वो जो है वमन नहीं कर पाया तो कफ बढ़ाया, तो कफ बढ़ने से सब स्किन डिसऑर्डर। तो देखिएगा कंडू, कोट, अरुचि इस तरीके से, और पांडू है, पांडू होगा यानी एनीमिया होगा, तो शोत भी होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है वहां पे वमन के वेग को रोकने में कंडू, कोट, अरुचि, अरुचि अंडरलाइन करिएगा, और क्षुधा में भी अरुचि आएगा। अरुचि जो है क्षुधा में भी हमने आपको सब लिखा रखा है, अरुचि कहाँ कहाँ मिलने वाला है। अरुचि सर्दी का वेग रोकने पे भी है और क्षुधा में भी मिलेगा। साथ ही साथ ज्वर है यहाँ पे। चिकित्सा की क्या करेंगे, चिकित्सा क्या करें, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, वमन का वेग रोकने से होने वाले उपद्रवों को भोजन खिलाकर यानी कुछ खिलाकर शीघ्र ही वमन कराना। 15 नंबर श्लोक में देखिएगा भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, कुछ खिलाकर शीघ्र ही वमन कराना। साथ ही साथ धूमपान है, लंघन कराएंगे उसको, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया था, रक्त मोक्षण, छर्दी का वेग रोकने पे रक्त मोक्षण हो गया, लंघन हो गया, और धूम
इसके बाद सर एक व्यंग आया है। हाँ वमन में एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट था वो रह गया, विमर्श में नीचे से सेकंड लाइन देखिएगा, वाग्भट ने नेत्र काश और श्वास जो उपद्रव अधिक बताए हैं, यानी छर्दी का वेग रोकने पे वाग्भट ने नेत्र रोग बताए हैं, काश और श्वास अलग से बताया, ध्यान रखिएगा चीज को। कल हमने बाधीर्य कहाँ बताया था? याद रखिएगा नेत्र रोग कहाँ कहाँ पे है, नेत्र गौरव कहाँ कहाँ पे है, वाग्भट का नेत्र रोग कहाँ पे है, बाधीर्य कहाँ पे है, शिरो रोग कहाँ पे है और शिरो गौरव कहाँ पे है, शिराशूल पर शिराशूल कहाँ पे है, हृदय व्यथा कहाँ पे है, हृदय रोग कहाँ पे है, ये सब चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होती है तो देख लीजिएगा। बाकी इसके इसमें डी यू आर याद रखिएगा, डी एल आर याद रखिएगा, डी एल आर डी फॉर धूमपान, एल फॉर लंघन, आर फॉर रक्त मोक्षण, ठीक है ना। इस तरीके से जो भी आपको ट्रिक बनाना हो बना लीजिएगा। आइए इसके बाद हम लोग छींक का वेग रोकने से देखें, बताया था कि छींक का वेग रोकने से क्या होता है कि सारे के सारे वातिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, मन्यास्तंभ हो जाएगा, अर्धित हो जाएगा, है ना। और आपने देखा होगा छींक का वेग आता है तो बड़े तेजी से आता है, जनरली हम छींक का वेग कब रोकते हैं, जब कोई कहीं आ रहा हो जा रहा हो आने वाला होता है ना, चलते समय नहीं छींकना चाहिए, इस तरीके से हम धारणी वेग होता है छींक को उसको रोक लेते हैं, या कहीं मीटिंग में होते हैं लगता है कि हाँ यहाँ पे उनको रोकना तो नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, तो रोकने से कितने दुष्परिणाम होते हैं उसका देखिएगा। मूत्र पुरीष क्षयतु, ये तो बताए थे कि मूत्र पुरीष क्षयतु रोकोगे शिराशूल, मतलब इन दिनों में शिराशूल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ माइग्रेन अर्धाव भेदक भी है आपका, मन्यास्तंभ है और इंद्रियाणाम क्या दौर्बल्यम, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी, ठीक है। तो इंद्रियाणाम क्या दौर्बल्यम इम्पोर्टेंट है, एक शब्द में आप लिख सकते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हो जाते हैं, ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हो जाते हैं, इसको लिखने से भी हमको याद रहेगी बात। फिर चिकित्सा में क्या करेंगे देखिएगा, उत्तर भक्तिकम आखिरी शब्द आया होगा, च उत्तर भक्तिकम मिला नंबर श्लोक में, ध्यान दीजिएगा, भुक्त्वा प्रक्षर्दनम भोजन कराने के जस्ट बाद में वमन करा रहे थे छर्दी की चिकित्सा में, और भुक्त यानी भोजन के बाद में क्या करा रहे हैं, घृतपान करा रहे हैं, किसमें, छींक का वेग रोकने में, और अवपीडक सर्प भी कहाँ बताया मैंने आपको, मूत्र में सर्प भी मूत्र में, और भोजन के बाद सर्प भी देंगे क्षयथु में, और कई चीजें वहां पे और आया हुआ है देख लीजिएगा, वहां पे वातनाशक तेल से अभ्यंग वगैरह कराएंगे जत्र के ऊपर आया हुआ है, तत्र ऊर्ध जत्र के अभ्यंग स्वेदो धूम, मतलब ऊर्ध जत्र के ऊपर जो है स्वेदन करेंगे, स्नेहन करेंगे, धूमपान कराएंगे उसको। फिर आता है उद्गार, उद्गार में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है उद्गार की चिकित्सा किसके समान करते हैं, तो हिक्का के समान चिकित्सा करते हैं। 18 नंबर श्लोक देखिए, हिक्का या तुल्य औषधम, हिक्का के समान जो चिकित्सा बताई है, तो चरक कहते हैं जो हिक्का में चिकित्सा बताई है वही उद्गार का वेग रोकने पर चिकित्सा करेंगे। अब हिक्का की चिकित्सा आपको हम पढ़ा चुके हैं चिकित्सा स्थान, और इसमें देखिएगा हिक्का श्वास अरुचि, अरुचि देखिए यहाँ भी आया उद्गार का वेग रोकने पे, कंपन होगा और विबंध हृदय उरसो, हृदय और छाती उरह प्रदेश यानी कि वक्ष प्रदेश में, यहाँ पे विबंध का मतलब कॉन्स्टिपेशन वाला विबंध नहीं है, यहाँ पे वक्ष प्रदेश पे हृदय प्रदेश पे जकड़ाहट टाइप से जैसे कोई बांध दिया हो विबंध टाइप का हो, तो उरह प्रदेश यानी वक्ष प्रदेश में और हृदय के आसपास ऐसा लगता है जैसे बधा बधा सा हुई है, इस तरीके का महसूस होता है। फिर इसके बाद आता है जृम्भा में, जम्हाई अगर नहीं लेगा रोक लेगा, है ना, क्लास में बैठा है बार बार जम्हाई आ रही है और नहीं जम्हाई ले रहा है तो क्या होगा, विनाम, विनाम मतलब शरीर झुक जाएगा, जैसे विनाम का मतलब जैसे नमस्ते करते हैं तो झुक के नमस्ते, खड़े खड़े नहीं होता हमेशा झुक के नमस्ते करते हैं, तो नाम उसी से बना हुआ है विनम्रता, विनाम झुक जाना, शरीर झुक जाता है और साथ ही साथ
आक्षेप और संकोच आया हुआ है, कंक्लूजन यही होता है। ध्यान दीजिएगा, मन्यास्तंभ, अर्धित, अर्धाभेदक, ये तो छठवां मिलता है, और विनाम, आक्षेप, संकोच, कंपन, कंपन कहीं और भी आया था, जृंभा में, उद्गार ऊपर, उद्गार में भी है, 18 नंबर के ऊपर देखिएगा, कंपन उद्गार में और जृंभा दोनों में। और इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे जृंभा की, बात नाचक चिकित्सा करते हैं, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आता है 20 नंबर श्लोक, क्या है, क्षुधा, भूख नहीं लगेगी, या भूख का वेग रोक लेगा तो कृश हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, स्किन का कलर उड़ जाएगा। अंग मर्द देखिए यहाँ आया, मैंने बताया था ना अंग मर्द में रहे उपस्तम, तो भूख भी आ गया, औषधि यानी आहार भी आ गया, और क्या है, अरुचि भी आ गया, और भ्रम। चिकित्सा हमने बताया था स्थूल, SUL, स्निग्ध उष्ण और लघु भोजन, SUL, स्निग्ध उष्ण और लघु भोजन कराएंगे इसमें। आगे देखते हैं हम लोग, पिपासा, बाधिर्य आपको बताया है, साथ ही साथ हृदय व्यथा, हृदय व्यथा दो जगह है, पिपासा में और शुक्र में, हृदय व्यथा पिपासा और शुक्र में है। और चिकित्सा क्या करेंगे, शीतल और तर्पण चिकित्सा, ठंडा ठंडा पानी पिलाएंगे और तर्पण चिकित्सा करेंगे। वाष्प, आंसू का वेग रोक लिया है, बहुत दुख हो गया उसको, बहुत तकलीफ है ना, बहुत तकलीफ हो गई है, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, फिर भी अंदर ही अंदर बेचारा तड़प रहा है, कुछ बता नहीं पा रहे, आंसू का वेग रोका है तो क्या होगा, कहीं से तो निकलेगा, आंख से नहीं निकल रहा है तो कोई तो रास्ता बदल के निकलेगा, अब तो आंसू ही रास्ते बदल बदल के निकलते हैं, अब तो ये हाल है कि आंसू भी निकलते हैं रास्ते बदल बदल के, तो नाक से निकलेगा, प्रतिशाय हो जाएगा, अक्षी रोग हो जाएगा, हृदय रोग, बेचारा इतना दिल पे बोझ ले लिया है कि हृदय रोग हो जाएगा, अरुचि, भूख भी नहीं लगेगी, जब इतनी तकलीफ है बेचारे को भूख कहाँ से लगेगी, और भ्रम, खड़ा होएगा तो चक्कर आ जाएगा उसको, है ना। दोस्त लोग आएंगे, है ना, पहले तो कहेंगे बड़ा सो लो, जब नींद नहीं लगेगी तो उसको क्या कहेंगे, चलो थोड़ा सा पार्टी शार्टी करते हैं, मध्य और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएंगे, वंस अपॉन ए टाइम कुछ पुरानी कहानी उसको सुनाएंगे, है ना, तो उसको जो है आराम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, निद्रा का वेग, रात भर मोबाइल चल रहा है, तो जब मोबाइल चल रहा है तो याद रखिएगा, जृंभा एक तरीके से अधारणी वेग भी है, और जृंभा लक्षण के रूप में किसमें मिल रहा है, निद्रा का वेग रोकने से। अंग मर्द, वही शब्द, त्रय उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो अंग मर्द यहाँ भी आ गया। और शिरो रोग है, लिख लीजिए वहीं पे, अक्षी रोग जो है वाष्प में है, अक्षी रोग जो है वाष्प यानी आंसू को रोकने पे है, और अक्षी गौरव निद्रा वेग को धारण करने पे। देन इसके बाद है चिकित्सा, इसकी क्या है, स्वप्न, उसको नींद, सोने के लिए कहेंगे। और संवाहन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले रामायण आ रहा था, तो लक्ष्मण जी धीरे धीरे कस के नहीं पैर दबाना, बस खाली धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट से पैरों को टच करना, उसको संवाहन बोलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, तो संवाहन करने से कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता, ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ा जाए, बोलो भाई। लास्ट, श्रमजन्य निश्वास, 13वां, दौड़ कर आएगा, जब दौड़ के आया हुआ है तो क्या बढ़ा रहेगा उसका, जब कोई बहुत दौड़ के आया हुआ है, बात बड़ी होगी, बात बड़ी रहेगी, लेकिन हाँफ रहा है, लेकिन वो दिखाना चाह रहा है कि हम हाँफ नहीं रहे हैं, यानी कि अपने सांस, तो देखिएगा अपने सांस को रोक रहा है, तो हृदय रोग, हृदय रोग देखिएगा वाष्प में भी आया और मेहनत करके आ रहा है हाँफते हुए, और हाँफने को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वहां भी हृदय रोग, यहाँ पे गुल में इम्पोर्टेंट है। वातघ्न क्रिया, जब दौड़ गया है हाँफ रहा है तो वात बढ़ा हुआ, तो वात शामक चिकित्सा आपका जृंभा में भी आ गया और श्रमजन्य निश्वास में भी आ गया, और कहेंगे बेटा विश्राम कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो विश्राम भी कराएंगे। आगे सब चार्ट बना हुआ है भाई, देख लो जो हमने बताया सब इस चार्ट में बना हुआ है, पेज पलटो, श्लोक नंबर 160, सॉरी 26, पेज नंबर 160 पुरानी किताब में, श्लोक नंबर 26,
ऊपर लिख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था लोभ क्या है, व्हाट इज लोभ, तो लिख लीजिएगा। चक्रपाणि ने एक परिभाषा बताई है लोभ की, विषय अनुचित प्रार्थना, विषय 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 यम एक मात्रा, डमरू वाला अ जैसे बनता है, अनुचित डमरू वाला ड जैसे ऐसे बनता है, थोड़ा तिरछा करके, अनुचित प्रार्थना, किसी विषय की अनुचित प्रार्थना। हालांकि मुझे लगता है इसको जिद कहना चाहिए, लेकिन इसको चक्रपाणी ने विषय अनुचित प्रार्थना लोभ को कहा है। देखिए आपकी पुस्तक में श्लोक नंबर 27 से मुझे लगता है 29 तक मन वचन और कर्म से, शरीर से, मन वचन और कर्म से इन्होंने अधारणी वेग को बताया, सॉरी धारणी वेग, धारणी जिनको धारण करना चाहिए, जिनको व्यक्त कर देने से दूसरे को तकलीफ हो जाएगी, ऐसे हमको वेगों को धारण कर लेना चाहिए, जैसे क्रोध हुआ, लोभ हुआ, ईर्ष्या हुआ, इन सब वेगों को धारण कर लेना चाहिए। तो देखिए क्या क्या है उसमें, मन से कौन कौन से हैं, लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या, अतिराग, अतिराग मतलब बहुत ज्यादा किसी से प्रेम भी नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, और अविद्या, दूसरे का धन लेने की इच्छा। स्पष्ट रूप से लिखा गया है श्लोक में, देखिएगा लोभ शोक भय क्रोध है ना, मान वेगान विधारयेत, निर्लज्ज ईर्ष्या अतिराग है ना, अविद्याय बुद्धिमान करके आया हुआ, अतिराग और अविद्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अतिराग क्या हो, किसी से बहुत अधिक लगाव रखना, अविद्या मतलब दूसरे का धन लेने की इच्छा, ये सभी क्या है, मानसिक धारणी वेग है, इनको धारण करना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। वैसे ही वाचिक, वाचिक मतलब वाणी से बहुत अधिक कठोर नहीं बोलना चाहिए, परुष यानी कठोर, खर नहीं बोलना चाहिए, बहुत परुष का मतलब यहाँ पे खर बोलने से, बहुत कड़वा बोलने से, कड़वा मतलब बहुत ही रूक्ष बोलना। और क्या है, अति मात्रा से सूचकस्य अनृतस्य च, चुगलखोरी करना और अनृतस्य मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलने से भी बचना चाहिए, चुगलखोरी से बचना चाहिए, शिकायत करने से, और अकाल युक्त वचन, अकाल युक्त वचन का मतलब होता है इन अप्रोप्रिएट टाइम में टॉक करना, प्रकरण कुछ और चल रहा है वहां पे अपनी कहानी ले जाकर सुनाने लगी, तो इरिलेवेंट टॉक जिसको कहते हैं, तो वही चरक ने कहा है कि अकाल युक्त में अकाल समय पे गलत बातें नहीं करनी चाहिए। कोई दुखी है जाओ वहीं पे उसको पिक्चर की स्टोरी सुनाने लगो तो उठा के पटक देगा, है ना, वही बात है कि गलत जगह पे गलत समय पे अकाल पे कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, समय का भी ध्यान रखना चाहिए सिचुएशन कैसी है। फिर इसके बाद शारीरिक रूप से क्या है कि देह प्रवृत्तिया काचिदे पर पीड़िया, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने मतलब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे, पर स्त्री संभोग, वहां स्त्री भोग पराई स्त्री फिर इस तरीके से आया होगा, हिंसा चोरी और हिंसा से उत्पन्न वेग, यानी कि चोरी और हिंसा इन सभी वेगों को भी धारण करना चाहिए। ये इतने जो है मनसा वाचक कर्मणा इस प्रकार से यहाँ पे बता दिया गया है। फिर लास्ट में विमर्श में देखिएगा आया होगा वही जो हम लोग पीछे भी पढ़ के आए हैं, पांचवें चैप्टर के विमर्श में भी आया था ये, सुखार्था सर्वभूतानां मदा सर्वा प्रवृत्तयः, मिला ऐसा कुछ, यस सर। उसी का सेकंड हाफ देखिएगा, सुखम च न बिना धर्मात् तस्माद् धर्म परो भवेत्, यानी कि धर्म श्रेष्ठ है। और धर्म क्या है, हमने वहां धर्म की एक परिभाषा बताई थी आपको, एक डॉक्टर होने के नाते हमारे लिए धर्म क्या है, जो आयुर्वेद में बताए गए नियम हैं उनका हमको ससम्मान पालन करना चाहिए, यही हमारा धर्म है, चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे ऋतुचर्या हो, चाहे स्वस्थ रहने के जो भी नियम बताए गए हैं उन सब का हम अगर फॉलो कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो वो हमारा धर्म है। अगर इसके विपरीत, अब जैसे यहाँ पे मनसा वाचक कर्मणा अगर बातें बता दी गई हैं कि इन वेगों को धारण करना चाहिए, अगर ये भी नहीं आप धारण कर रहे हैं तो यानी आप अधर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वही कह रहे हैं सुखार्था सर्वभूतानां मदा सर्वाः प्रवृत्तयः, हमारी प्रवृत्ति किस लिए होती है, सुख के लिए होती है, और वह सुख बिना धर्म का पालन किए हुए प्राप्त नहीं हो सकता। आगे देखिएगा किसी चैप्टर में व्यायाम पूछा जाता है कि चरक ने व्यायाम के बारे में कहाँ बताया है, तो बता दूं मैं,
व्यायाम यहीं पे आया है, और ध्यान रखिएगा कि व्यायाम जो है उस वाले अध्याय में नहीं है जहां पे हम लोगों ने दिनचर्या की बात की थी। वहां हमने व्यायाम पढ़ा क्या? व्यायाम हम लोगों ने वहां नहीं पढ़ा था। लगता है कि पांचवें मात्रा शीति अध्याय में ही व्यायाम होगा, बट वहां न होके अधारणी वेग वाले चैप्टर में है व्यायाम के बारे में। तो याद रखिएगा, शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी, ऐसे करके आपको एक श्लोक मिलेगा। श्लोक नंबर कौन सा है? 31। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम, देह व्यायाम समख्याताम मात्रयाताम समाचरे। शरीर की जो चेष्टा मन के अनुकूल शरीर में स्थिरता लाने वाली हो और बल बढ़ाने वाली हो, उसे शारीरिक व्यायाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शारीरिक शब्द प्रयोग करने है। शरीर में स्थिरता आती है। एक हम जब आसन की परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं वहां पे? आसन के बारे में क्या कहा जाता है? आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम, ऐसा कुछ करके पढ़ा जाता है। चलिए, शरीर चेष्टा या चेष्टा यानी कि व्यायाम करने से शरीर में स्थिरता आती है, बल की वृद्धि होती है, और देह व्यायाम समख्यातम मात्रा यातम समाचरित। ऐसा नहीं है कि कैचेक्सिक बॉडी है, सिंगल प्लाई एक हड्डी के हैं, और जाके जिम में मारे बटरफ्लाई, मारे ये और डंबल उठाए पड़े हैं। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। वही लिखा हुआ मात्रा मात्रा याताम समाचरित, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार, या सामान्य भाषा में कहें तो औकात के हिसाब से व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, मात्रा याताम समाचरित। और देखिएगा, वहीं लिख लेगा शरीर बल संधान कर्म, किसके लिए बताया था? शरीर बल संधान करम, स्नानम ओजस करम परम। विमर्श की चौथी लाइन देखिएगा, सुश्रुति की एक लाइन है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। सुश्रुति ने व्यायाम की यही परिभाषा बताई, मिला? शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम करने से क्या होता है, कभी नोटिस किया? थकावट लगती है, थकान लगता है। yes, sir. तो जिसके शरीर में थकान उत्पन्न हो उसको व्यायाम कह रहे हैं। सोचो, और व्यायाम की मात्रा क्या बता रहे हैं? दो लाइन और नीचे आइएगा, बलस्य अर्धेन, ऐसा कुछ मिला? बलस्य अर्धेन। यस सर। अंडरलाइन करिएगा, यह भी पूछा जाता है कि सूत्र के अनुसार व्यायाम कितना करना चाहिए? अपने शरीर की क्षमता का आधा, अपने शारीरिक बल की क्षमता का आधा व्यायाम करना चाहिए। और देखिएगा, बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायामो हंतस्तु अन्यथा हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्रम प्रपद्यते। मतलब हृदय स्थित जो वायु है मुख से निकलने लगे, हाँफने लगते हैं व्यायाम करते हैं तो वही कह रहे हैं कि हृदय स्थित वायु जो है वक्र यानी मुख से निकलने लगे। हृदय स्थित वायु मुख से निकलने लगे, उसको लिख लीजिए हिंदी में, हृदय स्थान स्थितो वायु। ऐसा नहीं जो हृदय की वायु है वो मुख वाली वायु से निकलने लगे, हृदय की वायु मुख से निकलने लगे यानी कि मुख से सांस लेने लगे से, तब तक व्यायाम करना चाहिए। या तो शरीर की क्षमता की आधी, बल की क्षमता के आधा व्यायाम करना चाहिए, या तब तक जब तक हृदय की वायु मुख से न निकलने लगे। एक आया हुआ था, प्रस्वेदान मुख शोषश्च बलार्थ तद्धि निर्दिशेत, लास्ट लाइन देखिएगा, एक स्वस्थवृत्त बुक है वहां का है, बिल्कुल वैसे मिलता जुलता है। अब व्यायाम से लाभ क्या है? श्लोक नंबर 32 में, लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता। मतलब व्यायाम करने से लाघव, शरीर में लघुता आएगी, कर्म को करने में सामर्थ्य होगा,
स्थिरता तो आएगी क्योंकि परिभाषा में था शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्य बलवर्धनी चरक कहते हैं, इस शरीर में स्थिरता आएगा और बल की वृद्धि होगी तो स्थिरता तो आएगी, साथ ही साथ दुख को सहने की शक्ति मिलती है, दुख सहिष्णुता। दोष क्षय अग्नि वृद्धि, दोष का क्षय होगा, अग्नि की वृद्धि होगी, व्यायाम आदि उपजायते, व्यायाम करने से यही लाभ होते हैं, वृद्ध दोषों को क्षीण करेगा, अग्नि वृद्धि होगी, है ना। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि व्यायाम कर रहे हैं तो वात तो बढ़ेगा, यहाँ भी क्यों कह रहे हैं कि वृद्ध दोषों को क्षीण करेगा, भाई अगर कफ बढ़ा हुआ है, पित्त तो बढ़ा हुआ, कहीं कहीं उसको साम्य अवस्था में लाएगा और वात को भी साम्य अवस्था में लाया जा सकता है। यहाँ पे जो अग्नि को वृद्धि कर रहा है वो अग्नि को वृद्धि करने का कॉन्सेप्ट, फिर वही हमारा कॉन्सेप्ट जाएगा कि वात बढ़ेगा तो अग्नि बढ़ेगा, याद आ रहा है कुछ ऐसा बताए हैं हम आपको? इसीलिए व्यायाम जो होता है खाली पेट किया जाता है, एक्सरसाइज कभी भी भोजन करने के बाद नहीं करते, जब आप एक्सरसाइज पहले कर लेंगे तो आपकी अग्नि संदूषित हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होता है आप भोजन करिए जठराग्नि आपकी प्रबल रहती, कभी भी भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होता है यूं समझ लीजिए कि आपने स्नान किया, समझने के लिए बता रहा हूँ, जो बाहर का पेरी पेरी की तरफ का जो आग है वो ठंडा ठंडा वो सब पानी पड़ा तो कहाँ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, आपके जठर की तरफ चला जाएगा, आपने पानी डाला सब बाहर से अंदर की तरफ, यानी अंदर जाके जठराग्नि को बढ़ा दो। हमने कहा कि नहाने के बाद ही भोजन करना चाहिए, भोजन करके नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि स्नान करने पे जठराग्नि बढ़ जाती है, स्नान करने पे व्यायाम करने पे जठराग्नि बढ़ जाती है। हमने आपको यही बताया कि जब आप पानी डालेंगे तो बाहर की जो आग है वो तो ठंडी हो जाएगी, वो आग अंदर की तरफ चली जाएगी आपके जठर की तरफ, समझ में आया? समझने के लिए बता रहे हैं, जैसे हमने आपको एक कॉन्सेप्ट, आसन अलग है, व्यायाम अलग है, प्राणायाम अलग है, योग अलग है, सब अलग है, कहीं भी मिक्स मत करिएगा। तो शरीर बल संधान क्रम स्नान है, व्यायाम नहीं है। व्यायाम क्या है? स्थैर्य कराना, व्यायाम करने से क्या होगा? स्थिरता आएगी, ठीक है। बिल्कुल नीचे विमर्श में देखिएगा, फिलहाल विमर्श की चौथी लाइन देखिएगा, न च अस्ति सदृशं तेन किंचित लौल्य अपकर्षण, ऐसा कुछ मिला? Yes, sir. तो उसको अंडरलाइन करिएगा, लौल्य अपकर्षण को अंडरलाइन, बिल्कुल नीचे देखिएगा, किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए? सुश्रुत ने बताया है रक्त पित्त जिसको होगा, कृश शोष श्वास कास, है ना, छत छत छीण वालों को, भुक्तवान स्त्री सुचा छीणो भ्रम आर्तश्च विवर्जय, ऐसे लोगों को जो है नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वात पित्त आमयी, वात पित्त रोगियों को, और वृद्ध अजीर्ण च तम जजेत, यानी वीआईपी लोग भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वीआईपी का मतलब वात पित्त वाले, वात पित्त रोगी और वृद्ध, बूढ़ों को नहीं कराना चाहिए, बूढ़ों को वैसे ही वात बढ़ा रहता काहे और एक्सरसाइज करा के वात बढ़ा रहे उनका, है ना। और अजीर्ण की अवस्था में, यानी कि व्यायाम तभी करेंगे जब पूर्व का खाया हुआ पचा हुआ रहे, अजीर्ण की अवस्था में व्यायाम नहीं करना है, ठीक है। फिर 33 नंबर श्लोक देखिएगा, अधिक व्यायाम कर लेंगे तब अति सर्वत्र वर्जय, अति हर चीज का नुकसान करती है, तो अति व्यायाम से क्या नुकसान होता है देखिएगा, श्रम क्लम छाया तृष्णा रक्त पित्तम प्रतामक, प्रतामक देखिएगा हिंदी में लिखा हुआ प्रथमक श्वास, हमने आपको बताया था एक संतमक श्वास होता है एक प्रथमक श्वास होता है, ज्वर और मूर्छा मिलता है तो वो प्रथमक श्वास होता है, मैंने ट्रिक बताया था वहां पे, पजामा याद आ रहा है कुछ ऐसा? Yes. तो प्रथमक श्वास हो जाएगा श्रम क्लम, श्रम मतलब थकावट, श्रम का मतलब क्या होता है? थकावट,
क्लम का मतलब बिना परिश्रम के थकावट, श्रम तो होता है कि काम करने के बाद का थकावट, क्लम का मतलब होता है बिना कुछ किए ही थकावट, है ना। प्रसाद धातुओं का क्षय, तृष्णा, रक्त पित्त और प्रथमक श्वास, काश, ज्वर, वमन, ये सभी जो है अति व्यायाम के लक्षण हो जाते हैं। और चिकित्सा बताई गई होगी तीसरी लाइन, विमर्श की तीसरी लाइन देखिए, घृत, मांस, क्षीर, बस्ती, मिला कुछ ऐसा? Yes, लाइन करिएगा। और लास्ट लाइन देखिएगा, यो अनायास श्रमो देहे प्रवृद्ध श्वास वर्जित क्लम स इति विज्ञेय इंद्रियार्थ प्रबाधक, इंद्रियार्थ प्रबाधक को अंडरलाइन करिएगा। और ये जो परिभाषा है बच्चा, ये पूरा का पूरा परिभाषा, यो अनायास श्रमो देह प्रबुद्ध श्वास वर्जित, ये क्लम की परिभाषा, ये क्लम की परिभाषा है, लिख लीजिए क्लम की परिभाषा। तो पूछता है इंद्रियार्थ प्रबाधक क्या है, क्लम है, पूछेगा इंद्रियार्थ प्रबाधक क्या है, तो आपको लिखना होगा क्लम, ऑप्शन देना पड़ेगा। फिर आता है निम्नांकित का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, किसका किसका नहीं सेवन करना चाहिए बहुत ज्यादा, यहाँ लिख लीजिएगा अति अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी भी चीज की अति मात्रा पूर्वक किया गया कोई भी कार्य लाभप्रद होता है, परंतु किसी भी कार्य के अति या किसी भी वस्तु की अति हानिकारक होती है, इसीलिए व्यायाम, हंसना, बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं जाना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा दांत नहीं दिखाना चाहिए, अधिक बोलना, बहुत ज्यादा बड़बड़ भी नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक रास्ता चलना, अध आया होगा श्लोक में, भाष्य मतलब बहुत ज्यादा बोलना, हास्य बहुत ज्यादा हंसना, अध मतलब पैदल चलना, ग्राम्य धर्म, हमने आपको ग्राम्य धर्म कहाँ बताया था, किस अध्याय में बताया था ग्राम को? सर विरेचन से पहले कर, ध्वनि व्यापद में बताया था, परिप्लुतायाम बहुत ही ग्राम में धर्म रुचा भ्रीषम, पढ़ो नहीं पढ़ोगे तो हमारा बस अगली बार क्लास बंद होगी तो बंद ही होगा। इनका जो है अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, जैसे हाथी को खींचने से सिंह की मृत्यु हो जाती है, भाई हाथी बहुत ज्यादा वेट होता है, शेर भले बहुत ताकतवर रहे लेकिन अगर वो हाथी को खींचने लगता है तो मृत्यु हो जाती है उसकी, क्योंकि हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है, तो सोचता है हम खींच ले जाएंगे, खींचने में उसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही इन सभी चीजों का, यानी कि आपकी क्षमता नहीं है और आप ये सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर ये सब कार्य करेंगे अपनी क्षमता से अधिक, सामर्थ्य से अधिक, तो जैसे हाथी जिस लिखा हुआ है गजम सिंह युवाकर्षण सहसा सर्विनश्यति, जैसे सिंह गज को खींचते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है। लास्ट में देखिएगा अति व्यवाय धार अध्व कर्म, ऐसा कुछ कर गया हुआ व्यायाम के अयोग्य पुरुष, व्यायाम के अयोग्य पुरुष यहाँ भी कुछ दे रखा है कि कहीं और का रेफरेंस, ठीक है ना, कि कहीं और का रेफरेंस है। फिर इसके बाद आया हुआ है पादांशिक क्रम, श्लोक नंबर 37 में देखिएगा, ये यूजी में शॉर्ट में पूछा जाता है पादांशिक क्रम, पादांशिक क्रम, इसको बढ़ाने से पहले हम देखिएगा आपको हम बताएंगे श्लोक नंबर 38 देखिएगा, ये पूछा गया एग्जाम में, श्लोक नंबर 38 में देखिएगा, क्रमेण उपचिता दोषा, मिला ऐसा कुछ श्लोक? यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर सिर्फ इतना ही रख के पूछ लेगा व्याख्या करिए तो क्रमेण उपचिता दोषा, क्रमेण उपचिता गुणा संतो यांत, ऐसा कुछ करके आया हो तो प्रकम्य को अंडरलाइन, प्रकम्य है ना, तो उसको अंडरलाइन करिएगा पहले, वो अप्रकम्य है, अगर उसको संधि विच्छेद करेंगे तो अप्रकम्य हो जाएगा, तो हिंदी में जहां लिखा हुआ अप्रकम्य उसको गोला बनाइए, अप्रकम्य को गोला बनाइए,
ध्यान से देखिएगा, जो पहला वाला क्रमेण अपचिता है उसको संधि विच्छेद कॉपी में लिखिए या ऊपर किताब में लिखिए, क्रमेण अपचिता दोषा है उसको, क्रमेण अपचिता। ध्यान दीजिएगा, एक में आ की मात्रा है, एक में ओ की मात्रा है, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्रमेण अपचिता दोषा, डैश करके लिखिएगा, डैश करके लिखिएगा, अपुनर्भव, अपुनर्भव। अपचित की अगर हम बात करें, एक होता है कैटाबोलिज्म, एक होता है एनाबोलिज्म, तो अपचित क्या होगा? कैटाबोलिज्म। अपचित का मतलब क्या होगा? कैटाबोलिज्म मतलब क्रम से घटाए हुए जो दोष होते हैं उनका पुनर्भव दोबारा नहीं हो पाता है, वो दोबारा उत्पन्न नहीं होने पाते हैं। तो एग्जाम में यही पूछा गया था, मान लीजिए आपसे पूछ लेगा क्रमेण अपचिता दोषा होते हैं, पहला अप्रकम्य, ठीक है ना, अपुनर्भव, दो ऑप्शन और रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमने इसीलिए आपको लिखा है क्रमेण अपचिता, अपचित मतलब घटाए गए, क्रम से घटाए गए या साम्यावस्था में लाए हुए दोष या दूर किए हुए दोष, उनका पुनर्भव दोबारा नहीं होता है, इसीलिए हमने बताया अपुनर्भव, जिस दोबारा उत्पन्न न होना, अपुनर्भव मतलब जिसकी उत्पत्ति दोबारा नहीं होती है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्रमेण, अगला पॉइंट, क्रमेण उपचिता गुणा, देखिए क्रमेण अ प्लस ऊ, अ और ऊ को मिला के संधि विच्छेद हम लोगों ने पढ़ा है, संधि में ओ हो जाता है, ऐसा पढ़े हैं हम लोग, अ और ऊ मिला के ओ हो जाता है, देखिएगा वहां पे ओ की मात्रा लग रही है, क्रमेण उपचिता गुणा, तो उसको लिखेंगे क्रमेण उपचिता गुणा, यानी एनाबोलिज्म हो गया। एनाबोलिज्म मतलब आप किसी भी गुण को बाहर से बॉडी में ला रहे हैं, यानी किसी भी चीज को, नए गुण को बॉडी में आप ले आ रहे हैं। एक तो हुआ घटाने वाली बात, दोष घटा रहे हैं, अगर आप क्रम से दोष घटा रहे हैं तो वो दोष की उत्पत्ति दोबारा नहीं होगी। उसी प्रकार आप क्रम पूर्वक धीरे 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 धीरे, ये नहीं अचानक से सारे दोषों को हटा दिया, अचानक से नए नए चीजों को आप शरीर के अंदर ला के बैठा दें, ऐसा नहीं, क्रम से ग्रेजुअली, तो ग्रेजुअली आप किसी भी गुण को शरीर में ले आ रहे हैं तो वो अप्रकम्य होता है। अप्रकम्य का मतलब होता है स्थिर, स्टेबल, ठीक है। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? हमने कम से कम 10 मिनट दिया है इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था, मुझे नहीं याद आ रहा है और क्वेश्चन गलत हो गया था, समझ नहीं पाते, इस तरीके से कोई समझाया नहीं था, पीजी एंट्रेंस में गलत हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? दो पॉइंट याद रखना है, अगर अपचित है तो अपुनर्भव, अ से अपचित, अ से अपुनर्भव, और अपचित क्या हो रहा है? दोष, ठीक है, और उपचित क्या हो रहा है? गुण। अपचित घटा रहे हैं दोष को, उपचित किसको कर रहे हैं? बढ़ा किसको रहे हैं शरीर में? गुण को बढ़ा रहे हैं। अप्रकम में कौन सा है? गुण वाला है। अपुनर्भव कौन सा है? दोष वाला है। क्लियर हुआ? बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। yes. लास्ट आता है इसमें प्रकृति के बारे में, एक लेक्चर और लेंगे उसको ना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि प्रकृति के बारे में हमको डिटेल पढ़ाना पड़ेगा, प्रकृति के बारे में पढ़ाना है और आगंतुक मानसिक रोग के बारे में बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताएंगे, ठीक है। प्रकृतियों के बारे में नेक्स्ट क्लास, धन्यवाद।